ग्रामीण अंचल में कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों में कितना खौफ है, इस तस्वीर से इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ीसालदी उपखंड क्षेत्र में आने वाले किरतपुरा ग्राम पंचायत के गांव में आज वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। जैसे ही लोगों में सूचना गई, कई लोग अपने घर बार छोड़कर निकल भागे। एक वृद्धा तो इतनी डर गई थी कि सुबह बिना कुछ खाए पिए ही जंगल में जा छुपी। पड़ोस के खेत मालिक ने महिला को मृत समझकर गांव के लोगों को इतला कर दी। सरपंच प्रतिनिधि नीतिराज सिंह ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और उसे पानी पिलाया। ग्रामीण उसे उठाकर गांव ले आए, लेकिन बुजुर्ग महिला वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं हुई और वैक्सीन नहीं लगाने की गुहार लगाती दिखाई दी। आज किरतपुरा गांव के वागलाखड़ा गांव में चिकित्सा विभाग द्वारा एक वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया 45 साल से 60 साल के में लोगों में। आज मैंने देखा कि लोगों के अंदर इतना भय पैदा हुआ है कि लोग झाड़ियों में जाके छिप रहे हैं। एक आज मैंने महिला को एक महिला के बारे में सूचना मिली और मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ गया और वहाँ पर देखा कि एक महिला झाड़ियों में छुपी हुई पड़ी थी। मैंने उसे निकाला, वहाँ पर उसको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद मैंने पूछा कि क्या कारण हो गया, तो उस महिला ने मुझे यही कहा कि मेरे को अगर वैक्सीनेशन लगाया तो मैं मर जाऊँगी। तो इसी प्रकार मेरा एक निवेदन है प्रशासन से, ये निवेदन है कि कुछ लोगों की वजह से इस पंचायत के अंदर इतना भय पैदा कर दिया गया है कि लोग वैक्सीनेशन लगाने से कतरा रहे हैं। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है इस प्रशासन से कि आप तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों पर इतनी कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए। बहरहाल सरपंच प्रतिनिधि ने ग्रामीणों में इस खौफ के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार मानते हुए कहा कि जिला प्रशासन को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन इस मामले को कितना गंभीरता से लेता है। रत्नेश दमामी, ईटीवी भारत, चित्तौड़गढ़। सतत 24 कलाक समाचार जोवा माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत।